that in two questions most of the children what they did I know. They copied it somewhere else. They copied it from net. लेकिन उनकी वो जो चालाकी है वो समझ में आ गई, पकड़ में आ गई. क्यों? क्योंकि नेट पे जो अवेलेबल था उसमें मैंने प्लस माइनस का फर्क कर दिया था और वही फर्क उनको मार दिया उसने. मैंने लिखा था 7x-5 और नेट पे था 7x-1. तो बच्चों ने क्वेश्चन मिला लिया तुरंत नेट पे से, है ना, और 7x-1 के हिसाब से सॉल्व कर दिया, तो उनको नंबर नहीं मिले हैं. दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, साई राम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको -2/2 ये प्रूव करना था. ये ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दे रखी थी ना, तो उसमें जो नेट पे था वो माइनस वाला था शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसा ही था. तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, नेट पे से देखा और इमिडिएटली उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बनेगा नहीं फिर वो आपका आंसर, तो वहाँ गलत हो जाएगा, उसमें नंबर नहीं मिले. लेकिन ओवरऑल जो बाकी क्वेश्चन बच्चों ने अच्छे किए हैं. अब ये आपकी पूरी ईमानदारी थी कि आप कैसा करते. आप ईमानदार रहेंगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. इसमें बता ही सकते हैं आपको आपकी कमियां. दूसरा ये कि मैंने कल भी बताया था, इससे पहले वाली क्लास में भी बोला था कि ऐसा पॉसिबल है कि आपकी क्लास ऑनलाइन ही चलती रहे पूरे साल. तो ये भी संभव है कि आपका फिर नेक्स्ट एग्जाम जो फाइनल होगा जिसमें आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे वो भी ऑनलाइन ही रहेगा. ऐसे CBSE ने अभी से संकेत दे दिए हैं क्योंकि COVID-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और बच्चे बहुत कम आने को तैयार हैं. अभी ये बताओ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए कितने बच्चों ने कंसेंट दिया आउट ऑफ दिस 20? जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग इन ऑफलाइन क्लास इन द स्कूल विच इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड फ्रॉम 21st September. यू माइट हैव गॉट द नोटिस ऑफ द क्लासेस. तो हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग, जस्ट रेज योर हैंड. आई एम नॉट आस्किंग एनी रिटन परमिशन, बट अपना हाथ उठाओ तुम में से जो भी आ रहे हैं. आई थिंक नन. ऐसे ही है, nobody is coming. ठीक है, it is your choice. There is no compulsion from my side and from school also. There is no compulsion. It is totally your choice, your parents' decision that if you wish to come, you can come. We teachers are available at the given time. But it is totally volunteer. Right? You wish to come, okay, no problem. तो अब देख लो कंडीशन ये है कि यू डू नॉट वॉन्ट टू कम इन स्कूल, देन वॉट विल हैपन, ऑनलाइन क्लास विल गो. तो जो लोग एबसेंट हैं या सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी भी, कुछ बच्चे मुझे लगता है इसमें सीरियसली नहीं लेते हैं, ये उनके लिए एडवाइस है कि वो उनको सीरियस हो जाना चाहिए. अभी जिन्होंने बहुत लाइटली लेकर पेपर दिया था उनको ये समझ में आ जाएगा कि फाइनल एग्जाम भी ऐसे ही होगा, तब वो क्या करेंगे, क्या उसको उतना ही सीरियसली लेंगे या इतना ही लाइटली लेंगे या अटक जाएंगे, देख लें आप जैसा भी है. तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू योर मार्क्स. आई एम टेलिंग यू बोथ ऑफ द मार्क्स इन MCQ एंड डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर. तो आप टैली कर लें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें. ठीक है, पहले आप ध्यान से सुन लें. अरमान सिंह 11, 21, टोटल 32, नोट कर लें कहीं पर भी. yes, sir. भौमिक सुरवे 8, 19, 27, धनंजय 11, 20, 31, दिशा 8, 19, 27, गर्वी जैन 11, 20, 31, हर्षित जैन 11, 21, 32, काजल 4, 14, 18, खुशी 11, 21, 32, मानव पटवा 5, 16, 21, मोहित भार्गव 10, 24, 34, मोनित साहू, बिकॉज MCQ सबमिशन नहीं किया था मोनित ने, तो MCQ में नहीं मिले हैं, डिस्क्रिप्टिव में 15.5, टोटल इज 15.5. नरेंद्र रोजा 7, 16, 23, निशांत नीलेश नाइक 11, 20.5, 31.5, रोनित 10, 21, 31,
स्मृति सती 7:23:30, सौमेंद 10:16:26, शिवांश 4:14:18, सुधांशु राजौरिया 10:16:26, सुहानी पाल 8:19.5:27.5, वेदांशी 6:13:19। सबको मिल गए मार्क्स। दोज हु आर अवेलेबल हियर 18 चिल्ड्रन आर अवेलेबल हियर, टू हु आर नॉट हियर। जिनको मिल गए वो अपना टोटल चेक कर लें और इफ एवरीथिंग इज ओके देन राइट ओके, चैट बॉक्स में लिख दें ओके अगर ठीक है आपका टोटल जो आपको बताया था दिखाया था एवरीथिंग इज ओके। ओके भौमिक स्वानी पाल ओके वेरी गुड। ओके नाउ इट्स डन, 1 मिनट टाइम फॉर यू, इफ यू विश टू से एनीथिंग यू कैन टेल मी, कुछ भी जो आपको लगा हो या एनीथिंग यू विश इट शुड बी चेंज, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, एनीथिंग रिलेटेड टू योर पेपर एग्जाम पढ़ाई जो भी आपको लगता हो, वॉट मोर कैन बी डन इन ऑर्डर टू मेक यू बेनिफिटेड यू प्लीज टेल। नो ईशा सर करो बॉम्बे बॉम्बिक बेटा कैमरा ऑन कर ले बॉम्बे, लगता है मार्क्स सुन के बच्चे चले गए कहीं। अच्छा कितने बच्चों को लगता है कि अब मैं इसमें तो खैर पूछना बेकार है, आपने तो कॉपी अपने आप से लिखी है, अब कैसे लिखी है तो आप भी जानते हो इसलिए कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। एनीवे निशांत यस सर मार्क्स तुम्हारे कम क्यों रह गए, सर वो थोड़ी मौका सी नहीं मिला? सर, नहीं सर थोड़ी सी आदत है सर, सिली मिस्टेक कर देता हूँ और सर जल्दबाजी में भी हो गया होगा। अच्छा मोहित, मोहित ने पता नहीं कहा अपना फोटो पेस्ट कर दिया ऐसा लग रहा है। नहीं सही है वीडियो सर वो ऑन ही तो है, तुम्हारा मूविंग नहीं दिख रहा, फोटो चिपका हुआ नजर आ रहा है। यस अब दिख रहा है हां मोहित सर वो एमसीक्यू में मेरी रह गए थे, एमसीक्यू पूरे नहीं कर पाए तो बिना पड़ेगा। अच्छा आवाज कट रही है तुम्हारी। दिशा आर यू सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स? नो सर। कहाँ कमी रही? सर एमसीक्यू में कम हो गए और डिस्क्रिप्टिव में भी कमी आए। अच्छा खुशी? यस सर। तो लगता है कहीं कमी रही पढ़ाई में या तुम्हारी तैयारी में कमी रह गई कम मिला? सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा आवाज क्लियर नहीं है, एक मिनट मैं हेडफोन लगाता हूँ। Just a minute. Hello, now I am audible? Yes, sir. आवाज लेकिन हेडफोन में तो आई मेरी। So now I am audible? Yes, sir.
अब क्लियर है कुछ खुशी आवाज पहले से बेटर है यस सर आ रही है तो व्हाट डू यू थिंक कहाँ कमी रह गई तुम्हारी सर दोनों में इक्वल मार्क्स ही कटे हैं वैसे तो अच्छा यू आर सेटिस्फाइड नहीं सर थोड़ा कम है देखो ऐसा है कि अगर आपको किसी भी लेवल पे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को कोई भी टॉपिक है उसको और क्लियर करें वीडियो दिखा दें आपको तो वीडियो भी अवेलेबल है और हम तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं क्वेश्चंस को अपनी तरीके से जितना बेस्ट हो सकता है ना तो आप बीच बीच में कोई भी बात हो तो पूछते रहें बता और डाउट हो तो पूछें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप डिस्कस करते रहें ओके सर एनीथिंग एल्स इफ एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग नो तो एक काम करते हैं अभी लास्ट टर्न पे हमारा क्या चल रहा था सर एपी एपी है ना एपी में हमने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो बता दी थी कि अर्थमेटिक मीन मैं वो ले लेता हूँ थोड़ा डेटेशन के लिए वाइट ब्लैक बोर्ड पर आ जाती है एपी में हमने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो समझा दिया था क्या क्या बता दिया था इसमें जनरल टर्म मैंने बता दिया था हम कैसे निकालते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये आपने पहले ही पढ़ा है टेंथ में वही है कुछ नया नहीं है दूसरा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज ये होता है एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी ये भी आपको पता है इसका दो फॉर्मूले होते हैं एक ये होता है और एक ए प्लस एल बन जाता है वेयर एल इज द लास्ट टर्म ठीक है अब इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में लेता हूँ बहुत सिंपल है और आप लोग अपनी बुक में खोल लें फर्स्ट एक्सरसाइज तो जो एक्सरसाइज है इसकी पहली वाली देखो इसमें क्या पूछा गया है ये ध्यान से पढ़ लो राइट दी फर्स्ट फाइव टर्म्स ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1-6 अभी यहाँ पर कोई सीरीज की बात नहीं कर रहा ना ए बी की बात कर रहा है ना जीपी की बात कर रहा है केवल सीक्वेंस की बात कर रहा है और इसमें कह रहा है कि पहले पांच टर्म ही निकाल लें आपको इससे ज्यादा आसान कोई सवाल हो नहीं सकता करना क्या है हमको जैसे हमको दे दिया है ए एन का मतलब उसका जनरल टर्म दिया रखा है और जनरल टर्म है ए एन इक्वल्स टू एन एन प्लस टू बिकॉज वी हैव टू फाइंड फाइव टर्म्स मींस वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एन एज 1, 2, 3, 4, 5 Am I clearly audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good. So, n की वैल्यू हमने ले ली 1, 2, 3, 4, 5 तो by putting n equals to 1, देखो क्या मिलेगा a1 मतलब पहला टर्म मिल जाएगा 1 into 1 plus 2 it becomes 1 into 3 और ये बन जाएगा आपका 3 Similarly, n equals to 2 लेंगे हमको आएगा ए टू टू प्लस टू 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 प्लस टू हो जाएगा ही 4 टू इंटू 4 तो दूसरा टर्म आ गया 8 ऐसे ही ए 3 लेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है तो आप लिखते चलना अगर आपको लगता है कि आपको लिखना है तो आप नोट करने चल वरना बहुत सिंपल है ये हो जाएगा 3 into 3 plus 2 5 ए 4 हो जाएगा 4 into 4 plus 2 6 24 ये 5 आ जाएगा हमारा 5 into 5 plus 2 7 35
इसके फर्स्ट फाइव टर्म्स हो गए फर्स्ट फाइव टर्म्स हो जाएंगे हमारे थ्री। दूसरा कितना आया था सर? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? आवाज साफ नहीं आ रही मेरी? यस सर। अभी तो मैंने पूछा था, तब तो बोल रहे थे साफ आ रही है। अभी भी कट रही है? यस सर। नो सर। तो नेटवर्क लगता है कम आ रहा है इधर। अब कुछ हुई? चेंज हुआ कुछ? सर साफ सुनाई दे रही है सर। क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो हो सकता है किसी का अपना भी नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है बेटा, किसी किसी का पर्टिकुलर। तुम अपना नेटवर्क चेक करके देखो बेटा। अच्छा कितने बच्चों को क्लियरली ऑडिबल है लिखे जरा? क्लियर लिखो, सी लिखो फटाफट। आई कैन अंडरस्टैंड कितने बच्चों को आ रहा समझ में? सी, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सबको तो आ रही है। सोलह, एक दो बच्चों को नहीं आ रही तो वो अपना नेटवर्क भी चेक करके देखें, ठीक है? तभी उनको समझ में आएगा आवाज। उनको भी नेटवर्क गड़बड़ होगा तो नहीं आएगी। तो मैं बता रहा था कि इसके फर्स्ट फाइव टर्म्स हमने ऐसे निकाल लिए। पहला टर्म आ गया थ्री, दूसरा टर्म आएगा, दूसरा टर्म कितना आया था सारी? टेन आया था, और तीसरा आया था थ्री प्लस टू बाय थ्री या फिफ्टीन, और फोर्थ टर्म आया था फोर प्लस टू एट, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर, और पांचवा टर्म आया था अब देखो ये आ गया, पूरे पांच टर्म आ गए इस सीक्वेंस के। अब ना तो ये एपीए ना जीपीए ये कोई सीरीज नहीं है, लेकिन सीक्वेंस हो सकता है कोई भी, थ्री टेन फिफ्टीन फिर ट्वेंटी फोर फिर थर्टी फाइव, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है? यही हमसे पूछ रहा है मेनली। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं इसमें, और हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक दो बता ही देता हूँ आपको जो थोड़े से डिफिकल्ट है, अदरवाइज सारे आप निकाल लेंगे। एक ले लेता हूँ फिफ्थ वाला, और फिफ्थ वाले में भी हमसे फर्स्ट फाइव टर्म्स पूछे गए हैं। ए एन इजिकल्स टू माइनस वन, एन माइनस वन, और ये फाइव रेज टू द पावर एन प्लस वन। अब एन इजिकल्स टू वन करेंगे, ए वन निकाल देंगे हम पहले। ए वन आ जाएगा, देखो वन माइनस वन माइनस वन की पावर हो जाएगा वन माइनस वन, फाइव की पावर हो जाएगा वन प्लस वन, माइनस वन की पावर हो गया ये जीरो, और फाइव की पावर हो गया टू। और किसी की भी पावर जीरो तो आपको पता ही है वन हो जाता आंसर, माइनस वन मत कर देना बस। और फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव, इसका पहला टर्म जो आ गया वो आ गया ट्वेंटी फाइव। या नोट करते चलना, ठीक है? समबडी ने नोट इट, तो ऐसे करके उनको बार बार फिर देखना नहीं पड़ेगा। पहला टर्म लिख लो इसका 25, अब निकालते हैं दूसरा टर्म a2। इसके लिए n की वैल्यू हम रखते हैं 2, a2 रखेंगे माइनस वन पावर टू माइनस वन, फाइव की पावर टू प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन रेस टू दी पावर वन टू फाइव रेस टू दी पावर थ्री, माइनस रेस टू दी पावर वन तो हो जाएगा माइनस वन ही हो गया, और ये हो गया वन ट्वेंटी फाइव। तो दूसरा टर्म लिख रहे हैं आप माइनस का वन, ये हो गया। नोट इट डाउन सम देयर।
Similarly, we shall find A3 by putting n is equals to 3 minus 1 raised to the power 3 minus 1 5 raised to the power 3 plus 1 minus 1 raised to the power 2 5 raised to the power 4. तो माइनस वन की पावर इवन पावर है तो ये प्लस का वन हो जाएगा और ये बन जाएगा 625. थर्ड टर्म इसका आ गया 625. नोट इट ऑल्सो. सिमिलरली we shall find A4 by putting n equals to 4 minus 1 raised to the power 4 minus 1 5 raised to the power 4 plus 1 ये बन जाएगा minus 1 raised to the power 3 5 raised to the power 5. minus 1 की पावर है odd, odd होगा तो हमेशा negative आ जाएगा minus 1. और ये कितना आ जाएगा 625 into 5 करेंगे तो सकते हैं कितना आएगा सर? 3125. 3125, वेरी गुड. निशांत बोल रहा है ना साहब? किसने बोला? निशांत ने. यस सर. थैंक यू निशांत. ये आंसर आ गया हमारा माइनस का 3125. लास्ट टर्म और बचा है वो भी निकालते हैं. नोट कर लो इसको, माइनस 3125. अब निकालेंगे ए फाइव बाई कुटुम एन इक्वल्स टू फाइव माइनस वन रेज टू द पावर फाइव माइनस वन फाइव रेज टू द पावर फाइव प्लस वन ये हो जाएगा माइनस वन रेज टू द पावर फोर फाइव रेज टू द पावर सिक्स. पावर इवन आ गई तो वन हो जाएगा. फाइव रेज टू द पावर सिक्स लास्ट वाले में जरा फाइव से इंटू करो कितना आएगा? एक बोले कोई ये ओनली वन नहीं आवाज नहीं आ रही बेटा दोबारा बोलो मेरे को. एक कोई बोले बस जोर से. 1 5 6 2 5 सर 1 5 6 2 5. ठीक है ये आ जाएगा हमारा फाइनल 1 5 6 2 5. ये पांचवा टर्म इसका निकल गया. As 5 terms of A secrets are. पहला कितना आया था निशांत? पहला टर्म कितना आया था? 25. दूसरा? माइनस 125. थर्ड? सर 625. ओके फोर्थ? माइनस 3125. और फिफ्थ? 1 5 6 2 5. ये हमारे पांचों टर्म हो गए. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. इसमें एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है. ठीक है ना? तो लाइक दिस वी कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी गिवन सीरीज. कोई भी सीरीज दे रखी हो हमको ये सारे टर्म्स को हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली. तो आई होप दैट रेस्ट ऑफ द सम्स यू कैन डू एट होम वेरी वेल. कर लोगे आप लोग? यस सर. यस सर. है ना? क्योंकि वो ऐसे ही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं बनेंगे. अब इसमें आपने देखो आगे वाले टर्म में फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10. अब यहाँ पर इंडिकेटेड का मतलब है जो बोल रहा है वही निकालना है, सारे नहीं निकालने हमको जो उसने इंडिकेट किया है. जैसे मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है जो उसका जनरल टर्म है ये तो है एन इक्वल्स टू 4n-3 और A17. यानी ये इंटीग्रेशन हो गया. 17th टर्म निकालना है और A 24. दूसरा निकालना है हमें
24 बाकी नहीं निकालने हैं, और सारे भी एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपको बोला गया है वही वाले निकालने में इंडिकेट किया। ऑब्वियसली जब ए 17 निकालूंगा एन की वैल्यू 17 हो जाएगी, तो ए 17 हो जाएगा 4 × 17 − 3 68 हमारा 65 ये आंसर हो गया। ऐसे ही पूछा है दूसरा A24 हम निकालेंगे मतलब n की वैल्यू 24 उसमें पुट कर देंगे 4 × 24 − 3 96 क्लियर हो गया ना सबको ये? यस सर। यस सर। ओके है ना। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये है −1 रेज़ टू द पावर n माइनस वन, फिर आगे दिया है एन क्यूब, एन क्यूब जोड़ दिया है इसमें, और निकालना है ए नाइन का मतलब हो गया, ये हमको निकालना है ए नाइन हो जाएगा, एन की वैल्यू 9 पुट कर देंगे −1 × 9 − 1 9 × 3 हाँ ये आएगा एन क्यूब, ये आ जाएगा −1 × 8 9 × 3 माइनस के ऊपर इवन पावर आ रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये 9 जो होगा बेसिकली वो आ जाएगा 1 × 9 − 3 ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 729 हमारा आंसर हो गया। लाइक दिस वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई थिंक देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 14 में से मैं एक दो बताई दे रहा हूँ, अदरवाइज वो भी आरसीबी कर लेंगे आप लोग, उसमें कुछ भी नहीं है। एक में लेता हूँ 11th क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। सीरीज बतानी है आपको, इसमें भी पहले 5 टर्म ही निकालने हैं। यहाँ पर हमको कुछ चीजें दे रखी हैं, ये 1 दे रखा है 3, और जनरल टर्म भी दे रखा है ए एन इक्वल्स टू 3 ए एन माइनस 1 प्लस 2 और ऑल एन ग्रेटर देन 1 और ऑल एन ग्रेटर देन 1 ठीक है, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाली सीरीज हमें यूज करनी है। क्यों ग्रेटर देन 1 के लिए यूज करनी है, क्योंकि ए 1 उसने पहले ही दे दिया हमको, एन की वैल्यू 1 होगी तो वो बोल रहा है 3 आएगा, ये पहले बता दिया, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। एन इक्वल्स टू 2 के लिए भी ये यूज करेंगे, तो हम ऑब्वियसली इसके निकाल सकते हैं, ए 2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा इसमें से 3 ए 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 ए 1 प्लस 2 और 3 ए 1 ऑलरेडी दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 9 प्लस 2 दैट इज 11। इस तरह से सेकंड टर्म इसका 11 आ गया, ये नोट कर लेना, इसका सेकंड टर्म आएगा थर्ड टर्म में यूज होगा यही वाला टर्म, ये तो हो गया हमारा 11। मान लो मुझे ए 3 निकालना है, ये हो जाएगा 3 ए 3 माइनस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 ए 2 प्लस 2
थ्री, ये टू जो है, ये टू हम पहले निकाल चुके हैं, अभी निकाला हमने, 11 आया था, प्लस टू आ जाएगा 33 प्लस टू यानी कि 35 आंसर हो गया हमारा 35। ये तीसरा टर्म आ गया इसका। ऐसे ही ये 4 निकाल लेंगे, 3 ये 4 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 ये 3 प्लस 2 3 ये 3 कितना आया था अभी पहले वाला टर्म 35 प्लस 2 हो जाएगा 105 प्लस 2 या 107। अब ये वाला नोट कर लेना 107 आ गया ए फोर, ये यूज होगा अगले वाले में। ए फाइव निकालना है तो आ जाएगा 3 ए 5 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा 3 ए 4 प्लस 2। ए 4 कितना आया था ए पिछले वाला टर्म 107 107 ही था ना ए 4 इसमें। यस सर आ गया 321 प्लस 2 तो आपका आंसर आ जाएगा ए 5 ए 5 हो गया 321 प्लस 2 323। इस तरह से हमने पूरे पांच टर्म आ गए। तो सीक्वेंस इसकी क्या आ जाएगी, सीक्वेंस पूछ रहा आपसे पहला टर्म कितना आया था कोई बता सकता 11 सेकेंड टर्म 35 थर्ड टर्म 107 फोर्थ टर्म 323 ये तो फिफ्थ टर्म है बेटा। अच्छा हाँ गुड, ये अच्छा ये फोर टर्म हो गए, पहला टर्म उसने दे रखा है, पहला टर्म इसमें दे रखा है 3। सीक्वेंस हमारी हो गई 3, 11, 35, 107, 3। Is it clear? सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? Yes sir. Okay. Yes sir. एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं 14, बस यही हो पाएगा। The Fibonacci sequence is defined by A1, A2 दोनों बंदे रखे हैं और ए एन इसका दे रखा है ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एन इज ग्रेटर देन 2। हमें निकालना है फाइंड ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो n इज इक्वल टू 1 निकाले तो हमको चाहिए इसमें n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमें चाहिए ये सीक्वेंस कैसी आएगी। देखो n की वैल्यू 1 लूंगा तो a2 अपॉन a1 आएगा, n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो आएगा a3 अपॉन a2, n इक्वल टू 3 लूंगा तो ए 4 अपॉन ए 3 ऐसे आएगा। रेशियो निकालना पड़ेगा तो ये रेशियो तो तभी निकलेगा जब आपके पास ए 1 और ए 2 तो इसने दे दिए हैं लेकिन ए 3 है ना, ए 3 ए 4 ए 5 निकालना पड़ेगा पहले तब ये रेशियो निकलेगा। तो पहले मैं निकालता हूँ ए 3 निकालता हूँ, ए 3 आ जाएगा ए 3 माइनस 1 जो इसने जनरल टर्म दिया है प्लस ए 3 माइनस 2, ए 3 माइनस 1 हो गया ए 2 हो गया ए 1, ए 1 और ए 2 दोनों 1 1 दे रखे हैं तो बन गया ए 2। ऐसे ही ए 4 आ जाएगा ए 3 प्लस ए 2, ए 3 मैंने अभी निकाला 2 और ए 2 1 है ये आ जाएगा 3। नोट कर लेना इसको ए 3 आ गया 2,
ए फोर आ गया, थ्री ये नोट कर लो जरा। अब निकालते हैं ए फाइव, ए फाइव वैल्यू रखेंगे इसमें तो आ जाएगा ए फोर प्लस ए थ्री। ए फोर कितना आया था अभी हमारा, थ्री, और ए टू ए थ्री टू, ये आ गया हमारा फाइव। ठीक है, ये भी नोट कर लो। अब निकलेंगे इनके रेशियो जो उसने बोला है फाइंड। हमको निकालना है ये एम प्लस वन ऑन ए और एन इज इक्वल टू वन टू थ्री। देखो एन इज इक्वल टू वन रखूंगा तो ये आएगा ए टू अपॉन ए वन, ए टू भी हमारा वन था, ए वन भी वन टू के लिए आ गया वन। ऐसे ही फिर आएगा एन इज इक्वल टू के लिए आएगा ए थ्री अपॉन ए टू, ए थ्री कितना आया था टू और ये वन था तो ये आ गया टू। ठीक है, ऐसे ही अब हमें निकलेगा एन इजिक्वल टू थ्री के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा ए फोर अपॉन ए थ्री। ए फोर कितना आया थ्री और ए थ्री था साइड टू, ये आ गया थ्री बाई टू। एन इजिक्वल टू फोर लेंगे तो ये आएगा ए फाइव अपॉन ए फोर। ए फाइव कितना आया था फाइव, और ए फोर कितना था थ्री, ए फाइव अपॉन थ्री हो गया। एन इज इक्वल टू फाइव निकाल देते हैं तो आएगा ए सिक्स, ए सिक्स नहीं निकाला था हमने, अच्छा एन इज इक्वल टू फाइव के लिए आ जाएगा ए सिक्स अपॉन ए फाइव। ए सिक्स आ गया एट और ए फाइव कितना आ रहा था फाइव, है ना, एट बाई फाइव, ये आंसर आ गया हमारा, यही इसने पूछा। आई थिंक ये पहली एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यस सर, है ना, अगर सबको क्लियर हो गया एक्सरसाइज तो लिखो ए सी ऑल क्लियर, फटाफट लिखो। Very good. Very nice, very nice. सबको क्लियर हो गया। चलो अपने घर पे बैठ के इसको करना एक्सरसाइज को दोबारा। मैं यहाँ पे जितना भी करा रहा हूँ ना उसको आप घर पे एक बार रिपीट कर लिया करो। मेरे सॉल्व करने से आपको दिखाई तो देगा सॉल्व होता हुआ लेकिन आपको नहीं बनेगा। आप जब तक खुद नहीं करेंगे आपसे आएगा नहीं। ओके, खुशी शांति पाठ कराओ फटाफट सबको।